हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। पता है क्या, आज ना जिस टॉपिक पर रिएक्शन हो रहा है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बहुत सारे लोग रोने लगेंगे। इट्स लाइक बेसिकली रोमांटिक वाली सैड वाली जो शायरियाँ होती है ना, जिसे सुन करके आपके सारे जख्म ताज़ा हो जाते, ताज़ा छोड़ो ऐसा लगता है जख्मों पर नमक डाल दिया है किसी ने, वो वाली फीलिंग आती है ना, वैसी ये शायरियाँ होने वाली है। तो भाई साहब अगर तुम्हारा हार्ट दुरुस्त है ना, अगर सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो तो ही इसे सुनना, क्योंकि रोने लग पड़ोगे। और मैं नहीं चाहती तुम रो, पर ऐसा भी नहीं है कि तुम बिल्कुल, यार देखो अगर फील लेना है ना, नेक्स्ट लेवल वाली फील लेना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं तो यहाँ पे फील लेने बैठी हुई हूँ इन शायरियों का, इन सैड हार्ट ब्रेकिंग वेरी इमोशनल वन। यार सब जो बड़े बड़े दिग्गज शायर हैं, मुनव्वर राना, राहत इंदौरी, तहजीब हाफी, अली जरियून, और देखो मुझे नाम नहीं पता ऑनेस्टली, वो सब अपने को इसमें देखने मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पर ना कुछ तो भी शायरीज मैं बोलती हूँ, बट वो कॉमेडी में होती है, मतलब उसका एक काउंटर होता है फनी वाला। अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वो रील देख करके ही आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल। तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते, किसी दिन उसके दर पे रक्से वहशत क्यों नहीं करते, किसी दिन उसके दर पे रक्से वहशत क्यों नहीं करते। इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना मोहब्बत क्यों नहीं करते। मेरे दिल की खराबी की खबर सुनकर कहा उसने, तुम अपने घर की चीजों की हिफाजत क्यों नहीं करते। तो शेर यूं है कि मैं अपने साथ जज्बों की जमात लेके आया हूं, मैं अपने साथ जज्बों की जमात लेके आया हूं, जब इतने मुक्तदी हैं तो इमामत क्यों नहीं करते। अकेलेपन से कहां तालमेल होता है, अकेलेपन से कहाँ तालमेल होता है, खिलाड़ी इश्क में दो हो तो खेल होता है, और न लेना इश्क के पर्चे में 100 से कम नंबर। सब स्टूडेंट्स के लिए, न लेना इश्क के पर्चे में 100 से कम नंबर, यहाँ 99 वाला भी फेल होता है। तुम आओगे तो मैं सस्ता तुम्हें दिला दूंगा, तुम आओगे तो मैं सस्ता तुम्हें दिला दूंगा, हमारे शहर में इंसाफ सेल होता है। वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, और मैंने सुना हुआ ये वाला पहले एक बार। वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, कि जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको, ऐसे कोई कैसे नजर ना आए तो उसकी तलाश में रहना, नजर ना आए तो उसकी तलाश में रहना, कहीं मिले तो पलट कर न देखना उसको, नजर न आए तो उसकी तलाश में रहना, कहीं मिले तो पलट कर न देखना उसको। वो सादा खू था जमाने के खम समझता क्या, वो सादा खू था जमाने के खम समझता क्या, हवा के साथ चला ले उड़ी हवा उसको, वो अपने बारे में कितना है खुशगुमा देखो, वो अपने बारे में कितना है खुशगुमा देखो, जब उसको मैं भी न देखूं तो देखना उसको। वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, अंदर का जहर चुन लिया धुल के आ गए, कितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए, सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे भूल के आ गए, सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे। I love him, घुल के आ गए घुल के, सारे सिपाही मोम, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, क्या फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा,
जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिकर, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। क्या बात है। और क्या आखिर तुझे जिंदगानी चाहिए, आरजू कल आग की थी आज पानी चाहिए, ये कहाँ की रीत है जागे कोई सोए कोई, ये कहाँ की रीत है जागे कोई सोए कोई, रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए, उसको हंसने के लिए तो इसको रोने के लिए, वक्त की झोली से सबको एक कहानी चाहिए, वक्त की झोली से सबको एक कहानी चाहिए, क्यों जरूरी है किसी के पीछे पीछे हम चलें, जब सफर अपना है तो अपनी रवानी चाहिए, कौन पहचानेगा दानिश अब तुझे किरदार से, कौन पहचानेगा दानिश अब तुझे किरदार से, बेमुरव्वत वक्त को ताजा निशानी चाहिए। क्या बात है। उदास वाओ। एक मुझी को तो कर नहीं जाता, उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता, अरे वो मुझसे रूठ के अपने भी घर नहीं जाता, उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता, वाह वो मुझसे रूठ के अपने भी घर नहीं जाता, उससे रूठ के अपने भी घर नहीं जाता, वो दिन गए कि मोहब्बत की जान की बाजी, वो दिन गए कि मोहब्बत की जान की बाजी, किसी से अब कोई बिछड़े तो मर नहीं जाता। क्या बात। ओ गॉड, ये वैसी शायरी थी ना कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये अभी यार 20 मिनट और सुनेंगे कम से कम, नहीं तो हमारा पेट नहीं भरने वाला, ये वो वाला फील था। और इतनी सारी शायरियों से मैं रिलेट कर रही थी, बिकॉज आई थिंक राइट नाउ आई एम इन लव विद समवन, लाइक ऑब्वियसली अपन अपनी फैमिली में हर किसी को प्यार करता है, मैं उस प्यार की बात नहीं कर रही, बट आई थिंक कि मैं किसी को लाइक करती हूँ एंड मुझसे प्यार का इजहार हो नहीं रहा, जस्ट गिव मी दैट मोटिवेशन। इन्होंने बोला कि प्यार का इजहार तुम क्यों नहीं करते, पर फिर भी इनको सुनकर के भी उतना मनोबल मेरा स्ट्रांग नहीं हुआ कि मैं बोल दूं कि यार लिसन आई काइंड ऑफ लाइक यू। सुनो, सच में ये मत सोच लेना कि मैं लाइक करने लग गई हूँ किसी को, मैं तुम्हारी बात बता रही थी, क्योंकि तुम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो लाइक करते हैं किसी लड़की को या फिर लाइक करती है किसी लड़के को पर बोल नहीं पा रही है। अरे भैया, उतना दम लाओ अपने अंदर और इजहार कर दो अपने प्यार का, क्योंकि एक दिन ना हम सब जब बुढ़े हो जाएंगे, बुढ़े मतलब कि 80 साल के हो जाएंगे, उसके बाद तुम सोचोगे कि यार काश मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया होता, काश मैंने उसे एक्सप्रेस कर दिया होता कि हाउ आई फील अबाउट हिम या हाउ आई फील अबाउट हर। यू हैव टू गेट मोटिवेटेड फॉर दैट। आप लोग ऐसे वेट नहीं कर सकते यार, हो सकता है वो भी तुम्हें चाहता हो या चाहती हो सकता है वो तुम्हारे सपने देखती हो कि मेरे सपनों का राजकुमार तो रमेश ही है, पर रमेश सर में तो हिम्मत ही नहीं आ रही है प्रपोज करने की। यार तुम प्रपोज मत करो, बट एटलीस्ट अब व्हाट्सएप का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, तुम यहाँ पे एक प्यारा सा मैसेज लिख करके भेज सकते हो कि आई वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद यू मोर ऑफन, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू हैंग आउट विद यू, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, अच्छी लगती हो। और जब इजहार कर दो ना बस, तो एक बार मुझे भी नोटिफाई कर देना, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना कि लिसन दीदी हमने ना बोल दिया है अपने लवर को, अब देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है। और अगर तुम्हें मैं ही पसंद हूं तो करो धड़ल्ले से प्यार का इजहार करो कमेंट सेक्शन में, इधर से मैं भी वापस तो मैं रिवर्ट में भेजूंगी थैंक यू सो मच, आई लव यू वगैरह तो नहीं बोल सकती ना, मैं समझा करो यार इतना तो। चलो ठीक है, बहुत हो गई मजाक मस्ती, पर इजहार जरूर कर देना, यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव, तभी तो सामने वाले को पता चलेगा कि आप उसको प्यार करते हो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और वीडियो को फैला दो, पूरे इंडिया पाकिस्तान में फैला दो, पूरी हिंदी और उर्दू बोलने वाली जनता के बीच में इसे वायरल कर दो। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा प्लीज, और मेरा एक सोशल एक्सपेरिमेंट्स वाला चैनल भी है, वहां पे मैं तगड़े तगड़े एक्सपेरिमेंट करती हूँ, उधर जाके चेक करना मेरे वीडियोज। हाँ, बाय बाय, लव यू सो मच।